जो रिपोर्ट है जो हमारी टीम जो गई थी बिसाड़ा गांव में जो कि दादरी के पास है उस रिपोर्ट में ये तथ्य निकल कर आया है कि ये कहना कि ये एकदम से एक्सीडेंटल वाक़ हुआ वो पर्याप्त न होगा क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो प्लानिंग थी उदाहरण के तौर पर एक मंदिर के लाउड स्पीकर से जो ये इस बात का अनाउंसमेंट किया गया कि ऐसा ऐसा हो गया है और उसका रात के साढ़े दस बजे और फिर लोग सोते हुए उठकर आए तो ये कहना कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था ये एक्सीडेंट नहीं है और इसमें थोड़ी बहुत प्लानिंग है मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि क्या प्लानिंग इस किस्म की थी कि जिसको कॉन्सपेसी कहा जाए इस बारे में तो जो भी सही आ, हालात निकल कर आएंगे वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ही होंगे मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हमारी ऑब्जर्वेशंस हमारी टिप्पणी जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का बदल नहीं होती जी वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भूमिका क्या रही क्या उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई जहाँ तक उसकी मृतक के परिवार और उनके भाइयों के परिवारों का ताल्लुक है जब यहाँ से आ, इस आयोग की टीम वहाँ जब गई थी तो उन्होंने एक आवाज़ में ये साफ़ तौर से कहा बल्कि सराहना की कि ज़िला प्रशासन और स्टेट अथॉरिटीज़ की तरफ से उनकी पूरी पूरी मदद की गई जी और जिस तरह से वहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी हुई इस पूरी घटना को लेकर देश भर में जो एक माहौल बना है उसको लेकर भी क्या अल्पसंख्यक आयोग अपना हमारे लिए ये बड़े इतमान की बात है कि जब हमने वहाँ लोगों को इकट्ठा किया और उनसे बातचीत की तो एक आवाज़ में आ, बहुल वर्ग के यानी कि मेजॉरिटी वर्ग के लोगों ने एक आवाज़ में ये कहा कि वो इसके पूरे पक्षधर हैं कि जिन लोगों ने ये जो है घृणित अपराध किया है उनको सख्त से सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कौन लोग उसमें शामिल थे क्या इस बारे में आ, ये ये तो आ, आ, इस बारे में जो तथ्य जो है सही आ, सही तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही निकलेंगे एफ जो हुई है उसमें दस आदमियों का नाम है किन बिंदुओं पर खास तौर से आयोग ने अपना काम किया आ, 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 बिंदु तो ऐसा होता है कि हम हालात देखते हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं और विभिन्न वर्गों में इस वक्त जो है किस किस्म की धारणा है कि आगे उनको क्या करना है तो इस बारे में हमको इस बात का बड़ा संतोष है कि वहाँ पर यह पाया गया कि सब लोग ये चाहते हैं कि गांव में अमन चैन का माहौल बना रहे और उन्होंने ये भी हमको ये भी पता लगा जो कि आ, अच्छा लगा कि इस इस आ, इस घटना और दुर्घटना के बाद हिंदू वर्ग ने गांव में दो मुस्लिम गरीब लड़कियों की शादी में पूरा पूरा सहयोग दिया न सिर्फ ये कि इंतज़ाम में हाथ बटाया बल्कि आर्थिक रूप से भी उन दो मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए अपनी ओर से भी खर्च किया जी आ, इस तरह की बात आ रही थी कि कमीशन ने अपनी फाइंडिंग्स में शायद ये भी कहा है कि जो मुस्लिम्स के अधिकार हैं अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं कहीं ना कहीं वो भी आ, जो है वो ख़तरे में हैं नहीं ऐसा हमारी रिपोर्ट में तो ये शब्द जो आप बोल रही हैं इनका प्रयोग नहीं किया गया मैं तो आपसे ये चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट में थोड़ी देर में वो रिपोर्ट जो है लगा दी जाएगी तो आप उसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से तो अल्पसंख्यक आयोग ने रिपोर्ट तैयार की है ये रिपोर्ट अभी सार्वजनिक होनी बाकी है इसमें अखलाक की हत्या को साजिश बताया गया है